सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। धर्म प्रिय बंधु, भक्तजन, साधक जन, अपने दुखों को दूर करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए इस माँ जगजननी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हम भक्तों के कष्टों को, हम भक्तों के दुखों को दूर कर करके सब ओर से हम भक्तों की रक्षा करें, हम सबका आप कल्याण करें, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। भक्ति में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। देवताओं पर भी जब संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो सब देवगण भी जो है भगवती की शरणक धोकर के इसी माँ की भक्ति करते हैं, जब करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए, किसी तरह से माँ हमारे अनुकूल हो जाए, हम पर प्रसन्न हो जाए, उसकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए, उसका आशीर्वाद हमें मिल जाए, तो हमारा जीवन जो है वह कल्याणमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि ये भगवती जो है माँ दुर्गा, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, ये दुखों का नाश करने वाली है और सुखों को देने वाली है। कभी जीवन का कष्ट, कभी विपत्ति आए, तो कभी जो है भयभीत मत होइए, खूब भक्ति करें, क्योंकि भक्ति एक ऐसा पुण्य है जिससे दुखों का नाश होता है, और भक्ति रूपी ऐसी पूंजी है, ऐसा धन है, वह इस लोक में कल्याण करते हैं और लोक में भी वह कल्याण को प्राप्त होते हैं। कि ये धन जो है, भक्ति रूपी धन जो है, जो हमेशा ये जीव के साथ साथ चलता है, संसारिक धन जो है ये यहीं पर रह जाता है, ये यहीं पर सुख दे सकता है आपको, चाहे वह संतान सुख है यहीं मिलेगा, माता पिता ही जो संयोग मिलते हैं, भाई बहनों के संयोग होते हैं, परिवार मिलता है, वो देवी की कृपा से, बाकी जो सुख दुख हैं ये सभी कर्मों का फल होता है। अच्छे कर्म किए हैं पूर्व जन्म के जो है इस जन्म में, वो ही हमारा भाग्य कहलाते हैं। कई बार साधक जो है बड़ी साधना करता है, भक्ति भी करता है, परंतु उसके दुख दूर होते नहीं, बस सोचते हैं मैं अच्छा काम भी करता हूँ, भगवान की आराधना करता हूँ, देवी के नाम का जप करता हूँ, तो भी जो है मेरा कष्ट दूर नहीं हो रहा है। देखिए, कभी भी हतोत्साहित मत होइए। जितनी आप भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, उससे पूर्व जन्म के पाप जो है वह नष्ट होते हैं। जब पूर्व जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं, तो आगे फिर सुख आना शुरू हो जाता है, कष्ट होना जो है कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जो जान लेना चाहिए, हमारे कोई पूर्व जनों के ऐसे कर्म हैं जिनका अभी तक जो है वह उनकी समाप्ति नहीं हुई है, जिस कारण से अभी हम कष्ट में हैं, और ज्यादा भक्ति करें। कहते हैं कि एक बार एक पंडित जी थे, विद्वान थे, उनके घर जो है कन्या रूपी धन था, घर में दरिद्रता थी। अब बच्ची जो बड़ी हुई, सियाणी हुई, तो वह चिंता करने लगे, इनका विवाह, इनका जो है पालन पोषण कैसे होगा, चिंतित हुए। मन विचार आया, मैं भगवती की आराधना करूं, माँ की उपासना करूं, तो कहते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा जो है माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उपासना की, बड़ी उपासना की, परंतु कुछ हुआ नहीं। अंत में अब बच्चे बड़े हो गए, तो हार करके उसने घर का परित्याग किया, परिवार का परित्याग किया और जंगल में चला गया, और जंगल में जाकर के विचार करने लगा कि इतनी भक्ति की, माँ की अब तक कृपा नहीं हुई, कारण क्या है। कहते वही वन में जो उसने चिता बना ली, लकड़ी इकट्ठी की और कहा अब मैं अपना परित्याग कर दूंगा। जैसे चिता बनाता है, आग लगाता है, उसे प्रवेश करने के लिए जैसे उद्यत होता है, तो सामने से माँ गायत्री देवी प्रकट होगी। बोले सच्चे दरबार की जय। माँ ने रोक लिया, माँ के दर्शन हो गए और कहा कि भक्तराज, मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं,
भरम रोही तुम्हारी जो इच्छा हम उससे वरदान प्राप्त कर सकते जो चाहिए। उसने कहा, पंडित जी ने, माँ जब मुझे जरूरत थी और मैं आपको पुकारता रहा, आपकी साधना करता रहा, तब तो तू आई नहीं, और अब जब मैं अपने आप को समाप्त कर रहा हूँ, अब मुझे कहती हो कि भर मांगो, मैंने घर परिवार का त्याग कर दिया, अब वन में आ गया हूँ, अब सोच रहा हूँ कि जो निर्णय कर लिया है अपने आप को समाप्त कर दो। माँ ने कहा है कि तेरी भक्ति जो है अद्भुत थी, इसमें कोई संशय नहीं, अद्भुत भक्ति थी, लेकिन तेरे पूर्व जन्म के इतने पाप थे और पाप बढ़ते बढ़ते जो है वह सात पहाड़ बन चुके थे। माँ ने उसके सिर पे हाथ रखा, दिव्य दृष्टि दी और कहा कि पीछे मुड़ करके देखो, कहते कि सात पहाड़ जो है वह जल रहे थे, ये तुम्हारे पाप थे, इतने पाप थे, जब तक तेरे पाप समाप्त नहीं होते तो मैं कैसे आती, मेरे लिए रास्ता सुलभ कैसे होता। तो मंत्र जब से भगवती की साधना से जो है पाप जो है वशीभूत होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती, जीवन सुखी हो जाते हैं। माँ ने आशीर्वाद दिया, माँ की कृपा से उस भक्त के सब कार्य सिद्ध हुए, आगे चल के सब प्रकार की उन्होंने रिद्धि सिद्धि प्राप्त की और माँ की भक्ति करते हुए वह परम कल्याण को प्राप्त हो, परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोले सच्चे दरबार की जय। इसलिए कभी जो है घबराना नहीं चाहिए जीवन में, माँ के शरणागत होकर के माँ के प्रतिदिन प्रातः काल सायंकाल जोर जगाए, माँ के पास बैठे अपने हृदय की बातें माँ को सुनाए, माँ से बातें करें, कोई प्रश्न है माँ से पूछे, आपको अंतकरण में ही प्रेरणा मिलेगी, जो कष्ट है दुख है कैसे दूर हो सकता है, अंदर से प्रेरणा मिलेगी और अद्भुत चमत्कार होगा जीवन में, ये कार्य जो है असंभव था, ये कैसे संभव हुआ। इसलिए जब माँ की अनुकूलता प्राप्त होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है, जब जय भगवती प्रतिकूल हो जाती है तब जो है संभव भी असंभव हो जाता है। इसलिए भक्तजन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। आज इस समय बसंत नवरात्र चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा था कि देवताओं पर भी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं। जिस समय माँ सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपना देह त्याग दिया और उसके उपरांत जो भगवान शिव जो थे वह समाधि से हो गए, सती ने तो अपना देह त्याग दिया और भगवान शिव भी समाधि से हो गए, उसी समय जो है एक तारक नाम का असुर था, तारकासुर, वह उस समय ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था और उसका जो संकल्प था कि देवताओं पर विजय प्राप्त करना, सभी देवताओं त्रिलोक पर राज्य करना, ऐसा उसका संकल्प था। बड़ी घोर तपस्या की उसने और उसकी तपस्या से, उसकी आराधना से ब्रह्मा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के साक्षात ब्रह्मा ने दर्शन दिए और ब्रह्मा ने कहा, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, आपकी जो इच्छा हो मुझसे वरदान प्राप्त कर सकते हो, जो चाहते हो। तो उसने कहा, मेरी मृत्यु ना हो, मुझे कोई युद्ध में पराजित न कर सके, कोई भी देव देवता मुझे मार ना सके। ब्रह्मा ने कहा, देखो सबका समय निश्चित है, जिसका जन्म है उसका मरण भी निश्चित है, जहां तक जो है मैं ब्रह्मा जो है, जीवित समय आने पर जो है हमें भी जहां से जाना पड़ता है, सबका समय निर्धारित है, इसलिए सोच विचार करके जो है आप वरदान मांगी जिसे मैं आपको दे सकूं। तब जो है वह तारका सुर जो था वह जानता था कि सती ने अपना देह त्याग दिया है और भगवान शिव जो है बस समाधि हो चुके हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो फिर मुझे ये वरदान दीजिए कि भगवान शिव का और पुत्र जो है वो ही मुझे मार सकता है, दूसरा कोई नहीं। और ब्रह्मा ने भी झट से कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा, भगवान शिव का पुत्र ही जो है वही जो है आपका वध करेगा, आपको युद्ध में पराजित करेगा। वरदान प्राप्त कर लिया, वरदान प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, वह चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब जो है वह तारकासुर जो था इतना ठहाका लगा करके वह हंसने लगा कि मैंने ब्रह्मा को ठग लिया, ब्रह्मा को ही ठग लिया,
कि उसको पता नहीं कि सती ने देह त्याग दिया है, वो तो है ही नहीं, और भगवान शिव समाधि से हैं तो उनका पुत्र होगा कहां से, और मुझे मार कौन सकता है? अब तो देवताओं की खैर नहीं, देवताओं को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वरदान प्राप्त कर लिया, ऐसा आशीर्वाद मिल गया, शक्ति संपन्न हो गया, अब शक्ति का दुर्भोग। और जब जब व्यक्ति जो शक्ति संपन्न होता है, शक्ति कितनी भक्ति करके तप करके जो प्राप्त होती है, परंतु वह बुद्धि को मलिन करने वाले भी वही है। किसका कैसे विनाश करना है वह भगवती महामाया जानती है। ये त्रिकोण त्रिगुण महामाया जो है, महामाया जो है, इसकी द्वारा ही सारा जग जब मोहित किया गया है। व्यक्ति जानता है सब कुछ जो है, ये जो हम ये मोह कर रहे हैं, ये दिन रात लगे हुए धन संपत्ति इकट्ठे करने के लिए, ये हमारे साथ जाने वाली नहीं है। संसार में जो कुछ मिला हुआ है, जहां तक ये शरीर जो है हमें मिला हुआ है, और मिली हुई वस्तु जो है ये अपनी नहीं है, चाहे धन संपत्ति है, चाहे परिवार है, जो भी शक्तियां आपको जो कुछ यहां से मिला है संसार से, वह सब नाशवान है, ये आपके साथ जाने वाला सब जानते हैं। तो भी दिन रात और रात्र जो है उस भगवती महामाया के द्वारा मोहित होकर के उसी मोह में पड़े हुए हैं, और इसी की कृपा से जब ज्ञान होता है तो मनुष्य को वैराग्य होता है कि हाँ ये जो है मैं तो मिथ्या ऐसे लगा हुआ हूँ, उसकी कृपा से जो मिल रहा है उससे मुझे संतोष करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, ये भक्ति ही जो है यही मेरा कल्याण करने वाली है, अच्छे काम जो है, शुभ कर्म जो है, यही जो है ये पुण्य को बढ़ाते हैं, कल्याण करते हैं। जब कुछ किया ही नहीं तो मिलेगा क्या? बैंक में पैसा जमा करवाया ही नहीं, आप चले जाइए मैनेजर साहब के पास, महाराज मुझे भी धन दीजिए, कोई नहीं देगा, कि तुम्हारा यहां खाता ही नहीं, बिल्कुल साफ है। तो बाहर निकालेंगे कैसे देंगे तुझे धन जो है, जब जमा करवाया नहीं। इसी प्रकार से धर्म कर्म जब किया ही नहीं तो जो है कहां से वहां होगा कुछ नहीं, तो मिलेगा कैसे? आप देख रहे मां का दरबार किस प्रकार से इसको सजाया गया, वह भी भक्त है, दिल खोल करके जे भी उसकी कृपा, क्योंकि उसकी कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। धन बहुत लोगों के पास होता है पर तो लगाना बड़ा कठिन होता है, और आ जाए और प्राप्त हो जाए, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं धन संपत्ति का, और कई बार जब रेट पड़ती है तब पता चलता है, और समय रहते हुए, और ये एक ऐसा स्थान है मां के दरबार में जितना लगाते जाओगे उतना पुण्य की वृद्धि होगी, और जितना चाहोगे झोली फैला करके मां से प्राप्त कर लो, यही उस भक्त का अनुभव है, जिसका अनुभव है जो ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां पर तो ना इनकम टैक्स वालों की कोई चिंता है, किसी प्रकार की चिंता लगाते जाओ, जब चाहिए झोली फैलाओ मां देती है, जो विश्वास है अद्भुत विश्वास, और विश्वास से ही बेड़ा पार होता है। अब जो है ब्रह्मा को ठग लिया तारकासुर ने, और ऐसा हंसने लगा कि ब्रह्मा को मूर्ख बना दिया। अब जो है शक्ति संपन्न होकर के उसका दुर्भोज किया, और तीनों लोकों में जो है राही त्राही मचा दी, सभी देवताओं को जो है पराजित कर करके स्वर्ग लोक से निकाल दिया। सभी देवगण जो थे वह परेशान हुए, ऐसा दुख आ गया कि ब्रह्मा ने ऐसा वरदान दे दिया, अब इसे मारेगा कौन? सती तो उसने तो देह त्याग दिया, और भगवान शिव समाधि से कहां से उनका पुत्र होगा, और हम संकट में है, विपत्ति में है, कहां जाए क्या करें? जब तक आदमी को सुख होता है तब परमात्मा का ध्यान आता भी नहीं, दुख आते हैं व्यक्ति उपाय ढूंढता है, कहीं किसी बड़े व्यक्ति के पास जाए, किसी संत महात्मा के पास जाए, कोई हमें उपाय बतलाए कि जिसके करने से हमारा दुख दूर हो सके। सभी देवगण इकट्ठे हुए और भगवान विष्णु के पास गए, और जाकर के उन्होंने उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु कहा कि बतलाइए बात क्या है, तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा है जो तारका सूर्य है इससे हम दुखी हैं, ब्रह्म ने वरदान दिया इसको कौन मार सकता है अब, और ऐसा वरदान दिया है, अब भगवान शिव जो है समाधि से सती है नहीं, पुत्र होगा कहाँ से, और जे तारकासुर तो हमें छोड़ेगा नहीं, इतना शक्तिशाली है हमको मारता है दुख देता है,
और तीनों लोक में त्राही त्राही मचा दी, इतना आतंक जो था। और किसी भी चीज अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज जब अति होती है, भोजन ही ज्यादा खा लें तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हर चीज एक मर्यादा में है, धन अधिक हो जाएगा, धन भी मर्यादा में होना चाहिए, जितनी जरूरत है आपको। बच्चों को ज्ञान बाल बनाइए, जो विद्या का ज्ञान देते हैं उन बच्चों को कावल बनाते हैं, अच्छे संस्कार दीजिए, यही असली धन है। पैसा इकट्ठा करने के लिए जरूरत नहीं है बच्चों के लिए, बच्चे आपके काबिल होंगे तो धन अपने आप पीछे दौड़ेगा। पुत्र एक का पुत्र होगा नालायक होगा तो ये आपका इकट्ठा किया हुआ भी उजाड़ेगा। रखो मत, जितनी जरूरत है उतना रखो, बाकी धर्म कर्म करते रहो अपने हाथों से। पीछे वो करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वही होता है जो अपने हाथों से आप करते हैं। आज सभी देवगण जो थे, भगवान विष्णु जब प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने कहा, देखो वह भगवती शिवा जो है कहीं सोई नहीं है, वह भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष है। उसका जब स्मरण करो, जब ध्यान करो, वह जो है रक्षा करती है, कष्ट दूर करती है, दुखों का नाश करती है, सब ओर से मंगल कर देती है। जब वह अनुकूल होती है, प्रसन्न होती है, कहीं ना कहीं हमसे कोई त्रुटि हुई है, कोई भूल हुई है, और वही दंड जो हम आने दिए हैं, आज सारा राज्य सुच्युत हो चुके हो, राज्य चला गया, दुख में आ गए और देवतों का राज्य हो गया, जो परेशानी पैदा हुई है। और इस दुख को दूर करने के लिए एकमात्र जो है माँ भगवती की शरण है, क्योंकि माँ एक ऐसी है जिसमें क्षमा करने और सहन करने की शक्ति होती है। कहीं ना कहीं पुत्र से अपराध होते रहते हैं, हमसे कोई अपराध हुआ है, उसी कारण से माँ ने हमारी उपेक्षा की है, हमें उसके शरणागत होकर के सब मिल करके हिमालय पर जाकर के उस भगवती की आराधना करें, माँ को प्रसन्न करें। कहते हैं उस समय से भी देवगण इकट्ठे हुए, हिमालय पर चले गए और वहां जाकर के माया बीज का जप करने लगे, माँ से प्रार्थना करने लगे, माँ की स्तुति करने लगे। बहुत समय तक जो है हिमालय पर जो है देवताओं ने भगवती की आराधना की, माया बीज का जो है जप किया, और फिर माँ प्रसन्न हुई देवताओं पर। कहते जिस स्थान पर हिमालय पर बैठ करके सभी देवगण जो भगवती की साधना कर रहे थे, उनके बीच में ही एक तेज प्रकट हुआ, सभी देवों के नेत्र जो थे बंद हो गए, और थोड़ी देर के उपरांत धीरे धीरे जब उन्होंने नेत्र खोले तो सामने देखा कि माँ भगवती विराजमान है। अब माँ के साक्षात दर्शन हुए, इससे बड़ी बात और क्या होती है, माँ का दर्शन कितनी खुशी होती है। अद्भुत प्रसन्नता हुई कि माँ का दर्शन हो गए, सभी देवगण जो है माँ के चरण दंडवत प्रणाम किया, फिर सभी खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके माँ की उन्होंने स्तुति की। तब माँ ने कहा, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग सकते, बताइए क्या कारण है, किस कारण से मुझे आपने मेरा स्मरण किया है, मुझे याद किया। मैं तो सबके लिए जो है कल वृक्ष हूं, इस भवसागर से पार उतारने वाली एक नौका हूं, बतलाइए आपका क्या कष्ट है। तो उन्होंने कहा, माँ तारका सूर्य है हमारे दुख का कारण है, हमें निकाल दिया उसने, बड़ा दुखी कर दिया है, अब कौन उसको मारे, ब्रह्मा ने वरदान दिया है और जो है शिव समाधि में है और सती ने देह त्याग दिया है, कैसे मारा, अब कैसे कल्याण होगा, ये आप ही कर सकती है। तब माँ ने कहा, देवता देखो मेरी शक्ति जो है हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न होगी, जो गौरी के नाम से प्रसिद्ध होगी, पार्वती के नाम से, उमा के नाम से, अपर्णा के नाम से, शैलपुत्री के नाम से, जो पहला स्वरूप भगवती का शैलपुत्री का है, सती ने जब देह त्याग था फिर हिमालय के घर में पुत्र के रूप उत्पन्न हुई थी, वह मेरी शक्ति जो है वहां पर हिमालय के घर में उत्पन्न होगी, आप प्रजनन करके उसके साथ भगवान शिव का विवाह करवा दीजिए, उनका जो पुत्र होगा वह होगा कार्तिकेय, स्कंद भगवान शक्तिधर जिसके नाम है, और वही जो है देवताओं का आप सबका सेनापति होगा, और उसी के हाथों तारकासुर का वध होगा, और आपको इस दुख से कष्ट से मुक्ति मिलेगी। बोलो सच्चे द्रवाई की जय। तो माँ ने देवताओं को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद माँ हिमालय के घर में पुत्री गुण उत्पन्न हुई, जिसका विवाह जो भगवान शिव के साथ हुआ, और उनका जो पुत्र हुआ वह कार्तिकेय हुआ, और कार्तिकेय जो है वह देवता को समय सेनापति हुए, युद्ध हुआ, और तारकासुर जो था वह
कार्तिकेय के द्वारा जो है वह मारा गया और देवत्र आया हुआ संकट जो था ये देवी की कृपा से मां का आशीर्वाद से उस संकट से विपत्ति से उन्हें मुक्ति मिली। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब मां अनुकूल होती है तो ही जो है सब प्रकार के रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। प्रतिकूल होती है, प्रतिकूल क्या है, हमारा समय खराब, कहीं ना कहीं हमारे कोई पाप कर्म है, उनको ठीक करने के लिए ही भगवती की आराधना है, माँ भगवती के मंत्र है। जब माया बीज का उन्होंने जप किया उसे सिद्धि प्राप्त हुई, माँ प्रसन्न हुई, अनुकूलता प्राप्त हुई, सभी कष्ट जो है दूर हो गई। आज जो है यह चैत्र बसंती नवरात्र का पंचम नवरात्र है और पांच स्वरूप जो है माँ भगवती का स्कंद माता का है। स्कंद भगवान जी कार्तिकी है जो माँ ने अपनी गोदी में जो है इसे ले रखा है एक हाथ से, दो हाथों में कमल पुष्प है, एक हाथ भर मुद्रा में ऐसा स्वरूप है और सिंह के ऊपर विराजमान है। जे पद्मासना कमल के फूल पर भी जो है कमल पर भी जो है विराजमान रहते हैं, इसलिए इसको पद्मासना भी कहा गया है। इसका उपासक जो है क्योंकि ये सूर्य लोक में निवास करने वाली जे भगवती जो है जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें अद्भुत तेज की प्राप्ति होती है, अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है, उनका मनोबल जो बढ़ता है, उनका पराक्रम जो बढ़ता है और कभी अपने जीवन में पराजित नहीं होते। इसलिए आज का दिन जो बड़ा विशेष दिन है और विशेष करके उन सैनिकों के लिए जो इस समय जो है हमारी सेना जो है जो बॉर्डर पर जो तैनात है, जिनकी भय से हम सभी सुरक्षित हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करने का आज का दिन है कि माँ भगवती स्कंद माता से प्रार्थना करें। माँ भगवती वह सैनिक चाहे वह सीआरपी के लोग हैं, चाहे वह बीएसएफ के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, जो अन्य जो हैं सिविल पुलिस हैं, सभी जो हैं जिस देश की रक्षा के लिए जो जो भी अग्रसर है तैनात हैं, जय भगवती स्कंद माता जो है उन्हें शक्ति प्रदान करें, बल पराक्रम प्रदान करें और शत्रु पर उन्हें विजय दिलाएं, कहीं उनकी पराजय न हो, ऐसी आप उनके लिए जो कामना करें। आज विशेष दिन है जे प्रार्थना करने का और जे भगवती आपके प्रज्ञाओं के भक्तों की जे जगजननी विशेष प्रार्थना कर जो सुनती है, क्योंकि जो हृदय श्री सब भक्तों के हृदय में विराजमान होती है, जे सारा जग सारा संसार जो है उस भगवती के अधीन है। जे भगवती जो है जे भक्त के अधीन है, भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि उसे आना पड़ता है। मैंने प्रातःकाल श्रीधर भक्त की जो कथा सुनाई थी किस प्रकार से माने कृपा की और जो है मां ने जो है ऐसा वरदान उसे दिया, कैसी कृपा उसने की, क्योंकि जी क्या था भक्ति का फल। और आज उसकी कीर्ति उसका यश जो है इस संसार में अटल है और जिन पर मां की कृपा हो जाती है जब तक जो सृष्टि जो सूर्य चंद्रमा गतिमान रहते हैं तब तक उनका वंश जो है इस सृष्टि पर चलता रहता है, कभी विनाश नहीं होता उनका, जे फल होता है भक्ति का। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि भगवती के शरणागत होकर के माँ के खूब भक्ति करें। पंचम नवरात्र के शुभ अवसर पर आप सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और भगवती की ओर से सबको वर्धापन आशीर्वाद। भगवती आप सबका मंगल करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।